तो किसान जेसीबी ले जाके और ये क्रेन को ऊपर जो बुलेट प्रूफ बना के उसको ये जो कर रहे हैं, ये किसान है, ये कौन फंड कर रहा है इन लोगों? किसान ये फंडेड है। आपने कुछ वीडियो देखा होगा कुछ समय पहले, मैं नाम नहीं लूंगा कि इनका, क्लियरली उसमें दिखाया गया कि मोदी के बढ़ते व्यक्तित्व और इस बार जो 400 पार होने की आंकड़े की बात की जा रही है उसको हम लोग थोड़ा सा रोकें, ऐसा उनका एजेंडा है। ये एजेंडा किसानों का नहीं है। किसान तो अभी खरीफ का खेती कर रहा है, गेहूं की खेती कर रहा है। हमारे क्षेत्र में आपके देखिए किसान उसमें बिजी हैं, व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है ये करने का। ये नकारात्मक कार्य है, नकारात्मक सोच है सरकार को बस नीचा दिखाने के लिए, जबकि मोदी सरकार किसानों के हित के हमेशा सोचती रही है। आप देखिए इससे पहले, मोदी सरकार से पहले क्या किसानों के लिए कभी बीमा योजना हुई थी? कभी सोचा ना किसी ने? कभी नहीं सोचा। और MSP की बात करते हैं, MSP के बारे में जानते ही नहीं है शायद, उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। ये फंडेड है एक कैसी खास लोगों के द्वारा, आप देखते हैं कि पंजाब में किसका सरकार है, कनाडा फंडेड, बाहर के लोगों फंडेड है, ये बस सरकार इतनी कमजोर और नकारा की वो साबित हो रही है। क्या कह रहे हैं सरकार? अगर वो किसान नहीं है तो उनको उनसे वार्ता क्यों करें? सरकार इतनी कमजोर इतनी नकारा क्यों साबित हो रही है? अगर वो किसान नहीं है, इनके हिसाब से अगर वो खालिस्तानी है, सत्ता वित्त पोषित है किसी ग्रुप के द्वारा, तो उनको उनका आंदोलन को कुचलिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। सरकार कुचल क्यों नहीं रही आंदोलन? अगर वो खालिस्तानी है तो सरकार आंदोलन कुचल नहीं सकते मोदी? नहीं, यही तो उनकी चाल है। सुनिए, यही उनकी चाल है कि कुचला जाए, लेकिन मोदी सरकार सबके लिए सोचती है। कुचलेगी नहीं, बात करना जरूरी है ना, वो भी हमारे नागरिक हैं, हमारे देश के हैं, चाहे कितने भी उग्र हो। कौन बोलता है? किसान नहीं है, बोल रहे किसान नहीं है, उग्र है, किसान नहीं, नागरिक है वो, देश के नागरिक है। इसीलिए मोदी सरकार, सुनिए एक मिनट, मोदी सरकार क्योंकि किसान नहीं है, जो भी हो हमारे देश के नागरिक हैं, देश के व्यक्ति हैं वो, इसलिए मोदी सरकार उनसे बात कर रही है, क्योंकि उग्र नहीं होने देगी। हर बात को मोदी सरकार सुलझाने के प्रयास में है कि मोदी जी जूझते हैं, जागते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है, बाहर से फंडेड है, तो उस किसान जो भी वो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, उसको कुचल क्यों नहीं रहा? जब वो क्रेन लेके आ रहे हैं, क्रेन को बुलेट प्रूफ बना रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनको कुचल क्यों नहीं रही है सरकार? बुलेट प्रूफ नहीं, बुलेट प्रूफ तो शो करना चाहते हैं ना, ये बताना चाहते हैं पहले ही कि मोदी सरकार अटैक करने वाली है। क्यों करेगी भाई? क्यों बुलेट प्रूफ की जरूरत है? क्या गोलियां बरसाने वाली है मोदी सरकार? बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगी? आप उग्र होंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हैं? कटीला तार तो मोदी सरकार ने ही वहाँ लगाया ना, बैरिकेडिंग तो मैं मोदी सरकार ने ही किया है ना। क्या करे फिर वहाँ पर? किले पे चढ़ के मतलब नहीं करना चाहिए था मोदी सरकार को बैरिकेडिंग, कटीले तार और नुकीले कील नहीं लगा? बातचीत तो करना चाहिए, बातचीत समस्या का हल बातचीत है ना, तो बातचीत करना चाहिए। वो बातचीत करने नहीं आ रहे हैं, बुलडोजर लेके बात करने आता कोई? क्या तमाशे करके बात करने आता कोई? आप शांतिपूर्वक आइए, अपना एजेंडा रखिए, बात कीजिए। आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? और मोदी सरकार क्यों नहीं रोकने की कोशिश करे? आपको दबा नहीं रही है, आपको वहाँ रोक रही है ताकि अब उग्र नहीं हो, हमारे आम नागरिक को जो दिल्ली में रह रही है उनको परेशानियाँ नहीं हो, ट्रैफिक को परेशानी नहीं हो, आम पब्लिक परेशान नहीं हो, इसकी वजह से। आपने पिछली बार नहीं देखा क्या हुआ लाल किला में? क्या फिर से चाहते हो वैसा ही? वैसा चाहते हो? वैसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये बताओ जो ये पिछली बार के ये हवाला दे रहे, चाहे इस बार भी जो परिस्थिति बना है, आज किसान क्या कर रहे हैं? अपनी मांगों के लिए वो धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। वो आप जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर सकते हैं, तख्ता पलट कर आ सकते हैं, मोदी जी को कहीं इस बात का तो डर नहीं कि अन्ना हजारे के तरह कहीं किसान अगर रामलीला मैदान में बैठ गए तो हमारा तख्ता पलट हो जाएगा? अगर किसान पिछली बार गलत थे, 11 दौर की बैठक हुई, बाद में जब UP का चुनाव घोषित हुआ और राज्यों का चुनाव घोषित हुआ, मोदी जी TV पे आके माफ़ी मांग के काले कानून वापस लिए, इस बार भी अगर किसान गलत थे, किसान से एक ही गलती हुई कि किसान आने के पहले पूर्व नियोजित तरीके से इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 13 फरवरी को दिल्ली आ, तो मतलब तैयारी करने का मौका दे दिया सरकार को, तैयारी करने का। हम कहते हैं आप उनको दिल्ली में रामलीला मैदान में बैठने देते, आप बैठने देते, क्योंकि सरकार जवाब ले लेता हूँ। क्या बोलेंगे कि मोदी जी ने लास्ट टाइम माफी मांग लिया, ये मोदी जी का तख्ता पलट करने का डर है? किसान एक मिनट, किसान तख्ता पलट कर देंगे जिसके कारण ये मोदी जी नहीं आने दे रहे उनको दिल्ली तक, रामलीला मैदान में बैठने? पहली बात तो देखिए, मोदी जी को पिछला जो कानून था वो जो वापस लिए थे ना, वो पता है क्यों लिए थे? क्योंकि गुरनाम सिंह चौहान
सोनी और राकेश टिकैत और बहुत सारे किसान नेता उसमें सम्मिलित थे। इस बार कौन सा राकेश टिकैत सम्मिलित थे बताइए? राकेश टिकैत तो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं पश्चिमी यूपी में, वो बस दंगा करवाने के लिए आ रहे हैं कि भारत बंद होगा, किसान उग्रवान हो जाएगा, यहाँ के गोलियां चलेंगी, ये सब बात बोल के दंगा करवाने से राकेश टिकैत है। किसान का मांग कहाँ लेके आया है? और रही बात की बोल रहे हैं मोदी पहले तैयार हो गए, एक बात बताइए, अगर मोदी तैयार ना होते तो इन लोग पहले आ जाने देते, ठीक है? और यहाँ पे इन लोग को बिना तैयारी के साथ रहते, ये लोग आके लाल किला पे झंडा हटा के और यहाँ खालिस्तान का झंडा लहराते। भाई अगर मान लीजिए मोदी जी प्रिपेयर है, सिटी पर्पस भी तो होता है, आप किसान बन के आइए, आपका बात जनता से जनता और नेता भी सुनेगा, आप खालिस्तानी बन के क्यों आ रहे हैं? बताइए, ये बोल रहे हैं कि बात सुनना है तो आराम, चार दौर की बैठक चल चुकी है, एमएसपी का एक प्रपोजल दिया, वो ठुकरा क्यों दे रहे हैं फिर? एक मिनट, पहली बात कि चार दौर की बैठक हो गई थी, किसानों ने आज का अल्टीमेटम दिया था, अगर सरकार बहुत सीरियस थी तो दो दिन तीन दिन बीच में इन्होंने गैप क्यों डाला? आज जब ये पंजाब से जब ये कूच करने के लिए हुए तब किसी मंत्री का बयान आता है कि हम पाँचवें दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं, तो ये कहाँ से आपको गंभीरता दिखाता है? आप चार दौर की बैठक कर लिए, नतीजा सिर्फ ने एक प्रपोजल तो दे दिया था ना एमएसपी गारंटी का कि चार फसलों पहले में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे। भाई अगर आप एमएसपी दे रहे हो तो ये शर्त क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, अच्छा एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा, ये जो सर ने बोला कि किसान तख्ता पलट कर देंगे मोदी जी का, इस चीज का डर है इसलिए मोदी जी दिल्ली नहीं आने देते, क्या बोलेंगे? पहली बात का मैं खंडन करता हूँ, इस आंदोलन को उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन से तुलना किया। अन्ना हजारे का आंदोलन बिल्कुल शांतपूर्वक था, ये उग्र आंदोलन है, उससे कंपेयर ही मत कीजिए ना आप, उससे तुलना ही नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, ये पॉलिटिकली एजेंडा है, मोटिवेट है, समझिए इस बात को आप, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे एमएसपी की डिमांड नहीं हो रही है, ये पूरे देश के किसानों का नहीं है। मेरा डेली, मैं एक डॉक्टर हूँ, ओपीडी देखता हूँ 200-250 लोगों को, और डेली 400-500 लोगों से मैं मिलता हूँ, किसानों से, और किसान आज खेत में कार्य कर रहा है, किसान ये रोड पे बेमतलब का उग्र हो के उग्र क्यों करना, क्या क्यों जरूरत है? आप देखिए ना, सर ने जो बोला कि किसान तख्ता पलट करने की जो बात बोल रहे हैं, तख्ता पलट कहाँ, सोच ही नहीं सकते ना, मोदी सरकार 400 को पार करने वाली है, कहाँ डर रही है? डरने दीजिए दिल्ली, आने दीजिए दिल्ली, ऐसी बात कर, आप तो बुजुर्ग हैं, आप इतने सीनियर हैं, आप सोचिए, आतंक फैलाएंगे दिल्ली में आके लोग, आप हिस्ट्री देखिए, आप लाल किला को, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आप पिछले आप पिछले आंदोलन को देखिए, लाल किला पे क्या हुआ था, क्या हशर हुई थी, क्या शांतिपूर्वक हुआ था, क्या आप ये चाहत, आप तो सीनियर हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, अभिभावक हैं हमारे, और आप ये बात बोलें उनको आने दें, आके क्या करेंगे, आके करेंगे क्या? मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ, और हमारे जैसे जो आम नागरिक हैं दिल्ली के, इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि हमारे दिल्ली में ऐसी नहीं होना। सर ये एक बात, सबसे बड़ा खंडन तो ये है इस आंदोलन को, आप लोग सबसे बड़ा खंडन पता है हम इसमें करेंगे कि किसान आंदोलन बार बार बोल रहे हैं, ये किस एंगल से आपको किसान आंदोलन लगता है ये बताइए? ये खालिस्तानी आंदोलन है, एक चाटुकारिता वाला आंदोलन है। भाई अगर तुम लोग का मांग है तो चार किसान आओ, बड़े बड़े नेता, चार किसान नेता, ठीक है, आओ जंतर मंतर पे आओ, बैठो, प्रदर्शन करो और जाके मोदी से मिलो। तुम यहाँ पे योगी मोदी का कब्र खोद रहे हो, उसके बाद तुम अलर वलर बयान दे रहे हो, दारू पी रहे हो, रॉयल स्टैग, रेड लेवल। एक बात बताइए, कल हम गूगल पे सर्च की रेड लेवल का प्राइस क्या है, पता है कितना है? 1700 प्लस है, 1700 का दारू एक किसान पी रहा है, और इन लोग को चाहिए बिजली फ्री, रोक फोर्ट पी रहे हैं, ठीक है, वो भी क्वार्टर नहीं, बड़ा बड़ा एकदम पैग, मतलब ये सब किसान पियेंगे आज के डेट में। और इनसे अभी जो भाग गए, इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या यूपी बिहार में किसान नहीं है, वो लोग क्यों नहीं आए? पूर्वांचल में सबसे ज्यादा गन्ना खेती होता है, क्या पूर्वांचल किसान एक भी आए? क्या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार के एक भी किसान आए? नहीं आए। तो फिर किस बात का किसान आंदोलन? सिर्फ पंजाब हरियाणा को ही कितना क्यों चुल मचा है? पंजाब के भी, पंजाब हरियाणा के बहुत कम आए हैं, हरियाणा पंजाब में आपको होता है किसान उग्रहण करके एकता सेना है, वो भी नहीं आए हैं। गुरनाम सिंह चौरानी जो सबसे बड़े पॉपुलर फेस थे वो नहीं आए हैं। राकेश टिकैत खाली दंगा करवाने आ रहे हैं, कोई किसान नेता है ही नहीं इसमें। जो सर बोल के गए हैं भाऊ जी की तख्ता पलट कर देंगे किसान अगर दिल्ली तक आ गए, मोदी जी का तख्ता पलट, ये लोग खुद ही पलट रहे हैं। पहली बात तो एक बात बताइए, खालिस्तानी है ये, खालिस्तानी से मोदी जी डरेंगे? मतलब इस देश में जो सच्चा किसान है, हम लोग तो यही बात कहते हैं ना कि अगर एक किसान या फिर एक जवान अगर शहीद होता है तो हम लोग बोलते हैं पूरा हिंदुस्तान शहीद हुआ है, लेकिन ये किसान थोड़ी है, ये खालिस्तानी है, ये चढ़ चढ़ के तिरंगा नहीं, ये कौन सा लड़ा रहा है, खालिस्तान का झंडा, ठीक है, उसके बाद
बाद वहाँ पे सरकारी संपत्ति को ठेस पहुँचा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षाकर्मी हम लोग को सुरक्षा देता है उस सुरक्षाकर्मी को मार रहे हैं। जो पत्रकार हम लोग का आवाज उठा था, किसान का आवाज उठा था, पत्रकार को मार रहे हैं। तो ये किसान किस मायने में हो गए? किसान है ही नहीं। अगर किसान आते तो दारू पी के नहीं आते, चिकन बिरयानी ना पेलते, ठीक है। ये लोग चिकन बिरयानी खा रहे हैं, रॉकफोर्ट पी रहे हैं, रेड लेवल पी रहे हैं और ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। भाई सबसे बड़ा बात, ये बुलडोजर लेके आ रहे हैं। मतलब मोदी सरकार के लिए बुलडोजर और योगी जी को डराने के लिए ये लेके आए बुलडोजर। मतलब भाई ये तो तुम सोच लो, तुम बुलडोजर को मॉडिफाई करके ला रहे हैं, बुलेट प्रूफ बना के ला रहे हैं। योगी जी का ना बुलडोजर बहुत खराब है, बहुत खराब। पता क्या है, ब्रेकें फेल है। वो जब चलेगा ना, अभी तो मोदी जी बैठे हुए तो करने भी दे रहे हैं। योगी जी तो साफ साफ बोलते यूपी में 6 महीना तक कोई हड़ताल ही नहीं होगा, जो करेगा उसका इनवायरमेंट बेल हो जाएगा। तो कुछ ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु जी से मेल करवाते हैं योगी जी, ठीक है। ये जो दिल्ली कूच करने के मांग पे अड़े हैं और उसके बाद जो यह तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि जो क्रेन्स है उनको मॉडिफाई कर लिया गया है, उन पर बुलेट प्रूफ कवच चढ़ा दिया गया है ताकि सरकार उसको वो बैरिकेटिंग हटा सके, उस तरह का गॉगल्स पहन के आना, ऐसे सूट पहन के आना जिसपे असर ना हो गोलियों का, ये क्या देख रहे हैं सर? ये जो क्रेन को ले जाना और उसको मॉडिफाई करके करना, ये क्या अटेम्प्ट देख रहे हैं? ये किसान है या कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का खंडन करता हूँ जो आपने बोला, ये किसान आंदोलन है, ये जनरलाइज किसान आंदोलन नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये स्पेसिफिक पर्टिकुलरली फोकस्ड किसान है और वो भी किसान नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है और ये शो करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ऐसा मोदी सरकार अपने को खुद सुरक्षा, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप किसान के आंदोलन को एक उग्र रूप देंगे तो मोदी सरकार सीमा सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा के लिए जानी जाती है, उनके अपने नागरिकों पे कोई बुरा असर नहीं हो, दिल्ली में आके हुड़दंग नहीं हो, एग्रेसिव इसका नहीं हो, लोगों पे इम्पैक्ट नहीं पड़े, नुकसान नहीं हो, इसके लिए मोदी सरकार अपना सुरक्षा के दृष्टि से ये काम कर रही है।